नहीं कभी। सारा का खून हुआ था वो। पर ज़ारा तो एक एक बहुत ही पाकजात थी, उसका खून कोई क्यों? तुम्हें किसने बताया? ज़ारा का कत्ल किया गया था कभी, उसको किया गया था कभी, उसको किया गया। ज़ारा की लाश इसी नदी में मिली थी। अबू, हमने कोशिश की ज़ारा के कातिल को ढूंढने की, कोई सुराग मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन अबू कुछ नहीं मिल पाया हमें। इसलिए असल में अबू हम आपके पास आए, मतलब देखिए ना, आपके पास ये ओहदा है जिसके जरिए हम पुलिस फोर्स की मदद ले सकते हैं ना, पूरी पुलिस फोर्स नहीं, अबू जितने चंद लोग आप दे सकते हैं, उसे ढूंढना है, आपकी मदद चाहिए हमें। संभालो अपने आप को कबीर, हम उसे जरूर ढूंढेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, तुम चिंता मत करो। जब से हमें पता लगा है ना अबू, हम सो नहीं पाते हैं, ये हर वक्त हमारे जहन में सिर्फ एक चीज है, इस खातून को ढूंढो अबू। आपको पता है हम क्या दुआ करने लगे कि उस इंसान ने हमें क्यों नहीं गोली मारी? चाहे हमारे ज़ारा की, उस इंसान से बदला लेंगे अबू। तुम संभालो अपने आप को कबीर, अब हमारे पार्टी के लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? शुक्र है सारे सबूत खत्म कर दिए हमने, कम से कम कबीर का शक अब हम पे नहीं आएगा कि ज़ारा का कत्ल हमने किया था। हमारे कमरे का दरवाजा किसने खोल रखा है? तुम? ये रहे आपके सबूत, हमने अपना वादा पूरा किया। ये गुनाह आपने किया। हमसे सवाल पूछने से पहले, हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने से पहले, हमें गुनहगार ठहराने से पहले हमारे बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए था। जानती हो हमने ज़ारा को क्यों मारा? वो हमारे और कबीर के बीच में आ रही थी,
इसीलिए हमने उसका सफाया कर दिया। और एक क्यों, अगर हजार जारा भी हमारे और कबीर के बीच में आएंगे तो हम उनका सफाया कर देंगे। और अब तुम्हारी बारी, वक्त आ गया है तुम्हारा, अपने खुदा को याद कर लो। लोग हमने अपनी जिंदगी में बहुत देखे हैं, और आप जैसे लोगों का सामना कैसे करना है ये हम अच्छे से जानते हैं। हमारी जरा को कबीर तुम्हें याद है, बचपन में तुम्हें खरोच भी लग जाती थी ना तो हम पूरा घर सर पे उठा लेते थे। क्यों मारा जरा को, तुम बीमार पड़ते थे ना, हम रात रात भर जग के कलमा पढ़ते थे, दुआएं करते थे खुदा से। क्यों मारा जरा को, तुम हमारी शान थे, हमारा गुरूर। क्यों मारा हमारी जारा को, क्योंकि मोहब्बत करते थे हम तुमसे, और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई हमारे और तुम्हारे बीच में आए। क्या तालीम दिलवाई हमने तुम्हें एक अच्छा इंसान बनने की, ख्वाब देखे हैं तुम्हारे लिए, नहीं बर्दाश्त कर सकते कि कोई हमारा वो ख्वाब छीन ले। झूठ बोल रहे हैं आप, सच सच बताइए क्यों मारा जारा को, खुदा की कसम, वरना हम सजा दोगे हमें, मारना चाहते हो, ये लो गोलियां, ये लो, चलाओ चलाओ चलाओ, हम भी तो देखें उसूलों के पाबंद खुदा के नेक बंदे, कबीर अहमद अपने अब्बू पे गोली कैसे चलाता है, चलाओ गोली।
भी तो देखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ तुम कैसे जाते, जिसने कहा है कि अपने माँ बाप को चोट पहुंचाना मतलब हमें चोट पहुंचाना है, और हमें चोट पहुंचाने का मतलब खुदा को चोट पहुंचाना। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और हम भी देखते हैं तुम इस फरमान के खिलाफ कैसे जाते हो। लेकिन जारा, जारा को मारने की क्या जरूरत थी? उस्ताद लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमने सारा को अपने लिए नहीं मारा, तुम्हारे लिए मारा है, तुम्हें तुमसे बचाने के लिए मारा है। झूठ, झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ तुम अब भी बोल सकते हैं कि खून हमने नहीं किया। शाबाज अहमद है हम किसी से नहीं डरते, ना तुमसे, ना कोर्ट से, ना कानून से। अगर हमने सीना ठोक के कह दिया कि हमने ये खून नहीं किया, तो कोई माई का लाल हमें छूटा नहीं सकता। लेकिन कबीर, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सारा की मौत में अल्लाह ताला की मर्जी शामिल है। अल्लाह की मर्जी? कब समझने की कोशिश करो, और हम तुम्हें बताते हैं कि इसमें अल्लाह ताला की मर्जी कैसे है। कबीर, उस लड़की ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया था, राह से भटका दिया था तुम्हें, तुम्हारे अंदर के आलिम दीन को खत्म कर दिया था, तुम्हारा लिबास बदल दिया था, जिसको ना अपनी परवाह थी ना खानदान की, गुमराह कर दिया था उसने तुम्हें। उस लड़की की बातों का ऐसा जादू हो गया था तुम्हारे ऊपर कि हमारे बातों का कोई असर ही नहीं पड़ता था तुम्हारे ऊपर। और ऐसी सूरत में हमारे पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो हम उसे समझा लेते, जिसकी जी तोड़ कोशिश हमने की, या तो उसे खदेड़ के तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकाल देते। उस अल्लाह की मर्जी के बगैर इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता। अल्लाह वाले कहते हो ना अपने आप को, इस बात से इनकार कर सकते हो कि सारा की मौत में अल्लाह ताला की मर्जी नहीं थी, खुदा की मर्जी? तो शायद किसी और चीज में भी खुदा की मर्जी है अब्बू। कबीर, नहीं कबीर, कबीर कानून को हाथ में मत लो। कबीर, कबीर क्या कर रहे हो अब्बू? वो तुम्हारे कबीर। ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या कर रहे हो कबीर? मत। कबीर, कबीर बंदूक नीचे रखो। रसूल अल्लाह।
मजहब का और खुदा का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने गुनाह अपने अपने ये बेगैरत गुनाह को छुपाने के लिए। वो कभी नहीं कहता अबू कि किसी का कदर करो। माफ करो कहता है अपने बंदे पर रहम करो। जारा का हमारी बेगम का कत्ल किया वो मासूम अबू जिस खुदा का आज आप नाम ले रहे हैं ना अपने करतूत को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो जान लीजिए कि आज उसी खुदा के हुक्म की वजह से आप जिंदा हैं। पता है हमको वो अल्लाह और उसके बताए हुए रसूल पे चलने वाली औरत थी उसका दिल नेक था साफ था उसका दिल हमारी तरह अबू हम भी सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं ये जाल में आप खुद फंस गए और हमें भी फंसाने की कोशिश करें नहीं नहीं सही कहते थे सब के सब मोहब्बत में सब अंधे हो जाते हम लोग इस इंसान के अंदर जो जो बेगैरत जो घटिया जो वाहिया सोच है ना आपके अंदर जिसको लगता है किसी बेगुनाह इंसान का कत्ल करना जायज है आज हम कहते कि अच्छा हुआ हमारी अम्मी चली गई आपकी बीवी क्योंकि अगर वो यहां होती इस इंसान को देखती ना खुद जिंदा लाश बन जाती अबू उस दिन हमारी अम्मी मरी थी हम यतीम नहीं हुए थे लेकिन आज हम यतीम हैं क्योंकि आज हमारा ये बाप मर चुका है हम यतीम हो गए फातिहा पढ़ना हमारे लिए तुम दोनों मिलकर और आप आपकी ये जो अजमत है ना झूठी है और हम आज आपकी ये झूठी अजमत पर लानत भेजते हैं कबीर मेरा नाम गंदी जुबान से मत लेना ठीक है जाओ जाओ अगर तुम इतना नहीं समझ सकते कि हमने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे खातिर किया हमारे दिल में जो तुम्हारे लिए बेपनाह मोहब्बत है अगर वो तुम्हारे समझ के बाहर है तो जाओ जाओ पुलिस के पास जो धरना देना है जो करना है करो तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और हम गुजरे कल के वो इंसान नहीं जो रिश्तों के डोर में बंधा रह जाएगा हार और जीत का फैसला शहबाज अहमद जंग के मैदान में किया जाता है यहां बातें करके नहीं कि जेब में हुकूमत है ना हमारे साथ हमारी मोहब्बत है हमारी जारा की मोहब्बत और अल्लाह हमारे साथ है तो डरना शुरू हो जाए क्योंकि आपके बेटे के जुनून से आपको ये कोई बचा नहीं पाएगा याद रखना